ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सामने से खुद आए हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि यार हमें अडॉप्ट करना है, और कुछ ऐसे भी दोस्त आए हैं जो बोल रहे हैं कि यार इतना तो पैसा नहीं कि हम बच्चों को अपने साथ रख सकें। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, वेल बड़े टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं। एक्चुअली बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि हम बेबी करना नहीं चाहते या हो नहीं रहा है। वेल बहुत दिनों से बात मेरे दिमाग में थी एंड ये बात मैंने देवीना से शेयर की कि ना हम दो बच्चियों को अडॉप्ट करें जो अनाथ हो, उनको वो घर दे सके, वो खुशियाँ दे सके, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। हम हमेशा बात करते हैं कि गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, और लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है। आई थिंक अगर हम सब ऐसे ही आगे आएंगे और ऐसे बच्चों का अगर हेल्प मिल सके और उनको घर मिल सके तो उससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और इनफैक्ट हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे अनाथ बच्चे रहेंगे ही नहीं। वेल सबकी अपनी अपनी सोच है एंड आई थिंक यू नो मुझे जो लगता है कि हमारी जो सर्कल में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सामने से खुद आए हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि यार हमें अडॉप्ट करना है, और कुछ ऐसे भी दोस्त आए हैं जो बोल रहे हैं कि यार इतना तो पैसा नहीं कि हम बच्चों को अपने साथ रख सकें, क्यों ना हम कुछ पैसा अगर डोनेट कर सकें उनकी पढ़ाई के लिए, थोड़ा भी कर सकें। तो आई थिंक हम सबको ऐसे आगे बढ़ना है और ऐसे ही सपोर्ट करना है। इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड ऑब्वियसली एक्साइटेड है, और वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक एवरी ईयर। सो बेचारे बहुत देर से जी बिल्कुल ऑब्वियसली ये कैसा क्वेश्चन है ये अच्छे मेरी फिल्म का प्रमोशन है तो आप ऑब्वियसली मैंने लाली की शादी में लड्डू दीवाना का ट्रेलर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल अभी नेक्स्ट वीक कुछ गाने रिलीज हो रहे हैं, आई मीन लॉन्च होने वाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज प्रोमो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा है, और सब लोग बोल रहे हैं कि गुरमीत हमें और आपको प्रोमो में देखना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जो भी रोल चूज़ करता हूँ वो सिर्फ ये देख के नहीं लेता हूँ कि या कितने सीन है, थोड़े सीन हो, कम सीन हो, लेकिन इम्पैक्टफुल हो। तो आई थिंक आने वाले गाने जो है वो बहुत ही मेरे बहुत खास हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो आई थिंक उसका इंतज़ार रहेगा।